नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि आई फाल्कन की H82 इज दी चीपेस्ट मिनी एलईडी टीवी इन द 55 इंच रेंज जो आपको इंडिया में मिल रही है। तो इसी के बारे में हम आज और अच्छी तरीके से जानेंगे, क्योंकि हम करने वाले हैं इसे कंपेयर विद दी व्यू मास्टरपीस ग्लो। क्यों? क्योंकि भाई ये मिलती जुलती बजट में आती है, और अगर आप मार्केट पे निकले हुए हैं स्पेशली एक ऐसी टीवी लेने के लिए जो 55 इंच की है और आपका बजट हो 90,000 रुपये, तो इन दो टीवीज में से आपको कौन सी टेलीविजन लेनी चाहिए, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हर एक वीडियो की तरह मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं बहुत सारे साइट्स, बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करके आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता हूं, ताकि आपको बहुत सारी जगह पे जाके इंफॉर्मेशन को छानना नहीं पड़ेगा। आप इस एक वीडियो को देख करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि मैं उन्हीं चीजों पर फोकस करूंगा जिसे मैं पर्सनली समझता हूं कि वो फीचर्स या वो पॉइंट्स एक्चुअली में मायने रखता है। क्योंकि अगर आप इनके वेबसाइट्स पे चले गए, अगर आपने ऑनलाइन रिटेल साइट्स देख लिया, तो भाई आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे यहाँ पे। ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई होंगी। व्यू मास्टरपीस ग्लो पे भी अगर मैं चला गया, बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होंगी कि कुछ कुछ चीजें तो मैं कहूंगा कि गिमिकी भी होती है। ऑलराइट, और नॉट जस्ट दैट, पर अगर आप गलती से भी आई फाल्कन के वेबसाइट पे चले गए ना, तो मैं तो बोलूंगा आप शायद इस टीवी को खरीदेंगे ही नहीं। ऑलराइट, अगर आपने मेरी TCL की C825 की वीडियो नहीं देखी हो तो आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उस वीडियो में एक्चुअली में कमेंट किया था कि जो भी लोग TCL या आई फाल्कन, बाय द वे दे आर द सेम कंपनी, ऑलराइट, आई फाल्कन इज द बजट ब्रांड ऑफ TCL, जो भी बंदे या जो भी टीम इनकी मार्केटिंग देख रही है या जो इनकी वेबसाइट्स को अपडेट करते हैं ना, उनको एक्चुअली में एक मैं बोलता हूँ ना, वन टाइट स्लैप मिलना चाहिए ऑन द फेस। बिकॉज अगर कोई इनके वेबसाइट पे चला गया ना, तो शायद ये टीवी खरीदे ही नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, आप देख रहे हैं यहाँ पे H82 सीरीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन को। अब मैं इसकी सिर्फ स्पेसिफिकेशंस वाली सेक्शन को दबाऊंगा, यहाँ पे देखिए। ऑलराइट, कोई जादू वादू नहीं कर रहा हूं यार, स्पेसिफिकेशंस पे चला गया, यहाँ पे देखिए उन्होंने इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है H72 के बारे में। इट्स अनबिलीवेबल, राइट? ये उनकी वेबसाइट है, इट्स स्टिल लाइव। ऑलराइट, एंड आई फाल्कन, बाय एनी चांस अगर आपको मेरी वीडियोस किसी ने दिखा दी, तो आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। और अगर आप देखेंगे 330 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे लिखी हुई है। ऑलराइट, तो ये सारे जो फीचर्स है ना जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑलराइट, दैट इज ऑफ H72, नॉट ऑफ H82। ऑलराइट, तो उन्होंने बस लेके कॉपी पेस्ट कर दिया है। एक कहावत है ना कि डू नॉट कॉपी अनलेस यू कैन नॉट पेस्ट प्रॉपरली, वही केस यहाँ पे हुआ है। तो ऊपर में तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए रैम कैपेसिटी 2 GB एंड 16 GB, पर दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, है ना? तो बहुत सारी चीजें आपको खुद इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन ढूंढनी पड़ेगी, और उनके खुद के वेबसाइट पे आप रिलाई नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन, आई मीन आई फाल्कन प्लीज वेक अप। इसीलिए ऐसी जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ना, आपके लिए ये काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और आप मेरे वीडियो को देखने के बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। एंड अगेन, नो गिमी की फीचर पे फोकस लाइक AI एंड IoT एंड ऑल दैट, मैं तो इसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। ऑल राइट, इट्स यूजलेस टॉकिंग अबाउट दिस। आप क्या अपने टीवी से अपने फ्रिज को कंट्रोल करते हैं? नहीं करते ना। तो मैं भी नहीं करता हूं। तो ये सारी जो फीचर्स है ना, दैट इज एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। ऑल राइट, मैं अपनी ये कंपेरिजन शीट को लेके आता हूँ। ऑल राइट, और लेट्स गो थ्रू दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर ले, दे आर वेरी इवनली मैच्ड। ऑल राइट, क्योंकि दोनों ही टेलीविजन में अच्छी बात यह है कि आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं। दे आर रियली गुड, क्योंकि आज के जमाने में ना, सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट कर लिया, कॉन्सोल कनेक्ट कर लिया, PC कनेक्ट कर लिया, और अगर आपको साउंड बार कनेक्ट करना है, अगर आपके पास सिर्फ 3 HDMI पोर्ट्स है, तो कहाँ कनेक्ट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे चौथा HDMI पोर्ट जो है वो काफी आपको काम आएगा। और अच्छी बात यह है कि दोनों में 4 HDMI पोर्ट्स हैं, 2 4K 60 Hz वाले पोर्ट्स हैं और 2 आपके 120 Hz वाले पोर्ट्स हैं। HDMI eARC का भी सपोर्ट है, क्योंकि ये HDMI 2.1 मिलेगा आपको। 2 USB पोर्ट्स आपको दोनों में मिलेंगे, एक USB पोर्ट आपको USB 2.0 है, एक USB 3.0 है। तो अगर आप वो SSD भी कनेक्ट करना चाहते हैं और वो मूवीज देखना चाहते हैं थ्रू SSDs, देन यू कैन एब्सोल्युटली गो अहेड एंड डू दैट। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ईयरफोन जैक दोनों में अवेलेबल है,
ईथरनेट लैंड पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ की स्टैंडर्ड भी जो है वो ब्लूटूथ 5.2 वाला स्टैंडर्ड है, और यहाँ तक फार फील्ड माइक्स भी दोनों टेलीविजन में अवेलेबल है। मैं इसका फैन नहीं हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब एक कमांड देते हैं ना, जैसे आप बोलते हैं जैसे ओके डैश डैश, ऑलराइट मैं बोल रहा नहीं हूँ, या हे डैश डैश, और आप बोलते हैं रिड्यूस द वॉल्यूम, अरे यार जितना टाइम उसको प्रोसेस करने में लगता है ना, उतने टाइम में आप बटन दबा देंगे अपने रिमोट में। तो टेक्नोलॉजी का क्या पर्पस है? टेक्नोलॉजी का पर्पस ये है ना कि आपके काम को आसान कर दे, और प्लस आपके काम का जो ओवरऑल टाइम है वो घटा दे, यहाँ पे तो वो बढ़ा देता है। तो इसीलिए मुझे मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना फाफील माइक्स की और कमांडिंग योर टीवी थ्रू योर वॉइस इज स्टिल नॉट देयर, इट्स नॉट अ बैड टेक्नोलॉजी बट इट्स स्टिल नॉट एज गुड एज इट शुड बी। इसलिए गिवन जो इसकी करंट स्टेट है उस स्टेट में मैं इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, ऑलराइट। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है भाई फाफील माइक्स भी है, ऑलराइट, आपको खुशी होगी ये जान करके। अब चलते हैं ऑडियो एंड साउंड के डिपार्टमेंट में। ऑडियो और साउंड की अगर हम बात कर लें तो दोनों ही टेलीविजन आर प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ साउंड, पर ऑब्वियसली अगर हम शियर साउंड आउटपुट की बात करें तो व्यू मास्टरपीस ग्लो में आपको 100 वॉट का स्पीकर मिलता है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द ओनली टीवीज इन द मार्केट जो इस प्राइस पॉइंट में आपको 4.1 स्पीकर सेटअप दे रहा है, क्योंकि इसमें आपको चार मास्टर स्पीकर मिलेंगे और आपको एक सबवूफर मिलेगा बिहाइंड द टीवी। अब आपको सबवूफर आई फाल्कन की H82 में भी मिल रही है, पर इतनी पावरफुल नहीं है, ऑलराइट, क्योंकि इसका जो सेटअप है वो दो मास्टर स्पीकर्स है, 15 वॉट्स इनटू 2 और एक 20 वॉट का सबवूफर है, तो ओवरऑल 50 वॉट्स की आपको ओवरऑल आउटपुट मिल रही है। डॉल्बी एटमॉस आपको दोनों में अवेलेबल है, बट साउंड के मामले में यस व्यू मास्टरपीस ग्लो ऑब्वियसली आगे निकल जाता है बिकॉज इट इज डबल इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट, एंड नॉट जस्ट डबल इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट बट इवन द चैनल जो बोलते हैं ना 4.1 वर्सेस 2.1, तो इससे आपको क्या मिलेगा कि आपको स्टेरियो सेपरेशन ज्यादा मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आई फाल्कन H82 की स्टेरियो सेपरेशन इज बैड, बिकॉज आई फाल्कन H82 इज नथिंग बट अ रीब्रांडेड TCL C825, ऑलराइट, ये एक्चुअली में TCL की C825 की रीब्रांडेड मॉडल है, क्योंकि उनका बजट ब्रांड है तो ये एक्चुअली में सस्ते में बेच रही है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा एंड प्राइसिंग में बात कर लूंगा, ऑलराइट। कमिंग बैक साउंड, डेफिनेटली व्यू मास्टरपीस ग्लो इज बेटर। अब अगर आगे चल के इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आई फाल्कन H82 आगे निकल जाता है ऑन पेपर, ऑलराइट, बिकॉज इसमें 3 GB और 32 GB का स्टोरेज है वर्सेस 3 GB एंड 16 GB, ऑलराइट, यहाँ पे मैंने गलती से लाल कर दिया और इज एक्चुअली 3 GB एंड 16 GB, ये आप थोड़ा सा इग्नोर कर दिएगा। 64-bit का क्वाड कोर प्रोसेसर आपको हर एक टीवी पे मिल जाएगा। एंड्रॉइड 11 आपको मिल रहा है H82 में, बट एंड्रॉइड 10 आपको मिल रहा है व्यू मास्टरपीस ग्लो में, ऑलराइट। बट लेट मी टेल यू, ऑलराइट, चाहे वो एंड्रॉइड 10 हो, एंड्रॉइड 11 हो, चाहे वो 16 GB स्टोरेज हो, चाहे वो 2 GB रैम हो, 3 GB रैम हो, इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलराइट, ट्रस्ट मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप टीवी पे क्या करेंगे? नेटफ्लिक्स देखेंगे, हॉटस्टार देखेंगे, अमेजॉन प्राइम देखेंगे, सोनी लाइव देख लेंगे या जी देख लेंगे, राइट? उन सारी चीजों के लिए इवन 2 GB एंड 8 GB इंटरनल स्टोरेज इज इनफ, ऑलराइट। तो ये जो 32 GB है ना, इसका होना ना होना मेरे पर्सनल हिसाब से इट डज नॉट मैटर, ऑलराइट। हाँ, अगर आप एंड्रॉइड गेम्स खेलते हैं, जो मैं पर्सनली नहीं खेलता हूँ क्योंकि मैं अल्टीमेटली पीसी या कंसोल को कनेक्ट करके अपने टीवी पे गेम्स खेलता हूँ, पर अगर आपको एंड्रॉइड गेम्स खेलने हैं तब यस दी 32 GB स्टोरेज काम आएगा। पर आप एक बात नोट कीजिएगा कि इसमें आप एक पेन ड्राइव कनेक्ट करके इसकी जो स्टोरेज है उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको 16 GB स्टोरेज मिल रहा है व्यू मास्टरपीस ग्लो में, अगर आप एक पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे आप इसकी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं थ्रू दैट पेन ड्राइव, ऑलराइट, सो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दीज टीवीज, जो है इसकी पिक्चर और डिस्प्ले। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आप साउंड को हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ साउंड बार, अ म्यूजिक सिस्टम, पर आप टीवी की जो पैनल है, टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है, उसको कभी भी अपग्रेड या चेंज नहीं कर पाएंगे, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं फर्स्ट नोट करना चाहूंगा और आपको भी नोट करना चाहिए कि आई फाल्कन की H82 इज एक्चुअली अ मिनी LED QLED। यस, ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अ स्टैंडर्ड LED, ऑलराइट, क्योंकि व्यू मास्टरपीस ग्लो जो है वो एक स्टैंडर्ड LED है, स्टैंडर्ड LED QLED जो बोलेंगे, QLED टेलीविजन। और अगर आप नहीं जानते हैं कि QLED और LED में क्या फर्क है, QLEDs आर ऑल्सो LED TVs ओनली, ऑलराइट, सिर्फ उसका जो पैनल
और बैकलाइट है, उसके बीच में एक क्वांटम डॉट लेयर वो लोग डाल देते हैं। अब ये क्वांटम डॉट लेयर क्या करता है, कलर्स को बूस्ट कर देता है, सैचुरेशन आपका और अच्छा हो जाता है, तो कलर्स आपको खिल के दिखते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक अ फोन कैमरा पे जो फिल्टर्स होते हैं ना, जब आप कैमरा के फिल्टर्स को यूज करते हैं, कैसे आपके कलर्स कभी कभी पंची सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो इट वर्क्स लाइक दैट, बट इट्स अ हार्डवेयर। ऑलराइट, एक क्वांटम डॉट लेयर आपके बैक लाइटिंग और पैनल के बीच में डाल देते हैं, दैट इज अ क्यूलेट टीवी, और क्यूलेट इज नथिंग बट एन एलईडी ओनली। ऑलराइट, तो मिनी एलईडी क्या है, मैंने एक्चुअली मैं एज लाइटिंग के बारे में और बैक लाइटिंग के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पर मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे एजेड लाइटिंग में आपको देखिए बल्ब दिख रहे हैं, डायरेक्ट एलईडी में आपको सेम बल्ब हैं बट इट्स स्प्रेड अक्रॉस। और मिनी एलईडी में क्या होते हैं कि जैसे एलईडी में बल्ब हैं आपको दिख रहे हैं, मिनी एलईडी में और ज्यादा छोटे छोटे बल्ब होंगे। ऑलराइट, तो इससे एक्चुअली में क्या होता है कि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है, आपकी जो कॉन्ट्रास्ट है, दैट कैन बी कंट्रोल्ड इवन मोर। ऑलराइट, कैसे, इट डेफिनेटली एड्स टू द डिमिंग जोन्स, जिसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। तो मिनी एलईडी इज कंपैरेटिवली सुपीरियर, ऑलराइट, इन टर्म्स ऑफ अ स्टैंडर्ड एलईडी एंड इवन अ क्यूलेट। तो अगर आप पैनल टाइप के बारे में बात करें ना, तो अगर हम पैनल टाइप के बारे में बात करेंगे, तो डेफिनेटली द आई फाल्कन की H80T जो है, दैट इज अ सुपीरियर टीवी इन टर्म्स ऑफ शेयर टेक्नोलॉजी। अब आई फाल्कन की H82 के अलावा आर देयर एनी अदर मिनी एलईडी टीवीज हियर इन इंडियन मार्केट? यस देयर आर। TCL की खुद की C825 है, TCL की खुद की C835 भी है, जो 2022 वाली मॉडल है, क्योंकि C825 2021 वाली मॉडल है और H82 भी एक्चुअली में 2021 वाली मॉडल है। तो C825 अगर आप देखेंगे ना Flipkart पे फॉर इंस्टेंस, इट्स 1,09,990। इसकी प्राइस में ना आपको 55 इंच की ऑलमोस्ट 19,000 रुपीज का डिफरेंस है। हाँ, Amazon पे आपको ये ऑलमोस्ट 95,990 में मिल जाएगा, यानी सिर्फ 5,000 रुपए का अप्रॉक्सिमेटली डिफरेंस है। ऑलराइट, बट अगेन इसके बारे में प्राइसिंग में फटाफट बात कर लूंगा, बट दिस इज द ओनली अदर मिनी एलईडी टीवी अपार्ट फ्रॉम वन मोर। सैमसंग की भी मिनी एलईडी टीवीज एक्चुअली में आती है, बट लेट्स गेट बैक टू दिस। पैनल टाइप के मामले में ऑफ कोर्स आई फाल्कन H82 इज सुपीरियर। अब ब्राइटनेस के मामले में यहां पे ना मैं एक्चुअली में एक चीज बताना चाहता हूं, ब्राइटनेस के मामले में यहां पे मैंने 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इट इज द एडवर्टाइज्ड पीक ब्राइटनेस। ऑलराइट, यहां पे अगर आप इसकी लिस्टिंग्स में चले जाएंगे, आप अगर यहां पे देखेंगे 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस बता रहा है वो। ऑलराइट, बट लेट मी टेल यू दैट दिस टीवी, द मिनी एलईडी टीवी आई फाल्कन H82, कैन ऑल्सो अचीव अ पीक ब्राइटनेस ऑफ 1000 निट्स इन सर्टन विंडोज। अब अलग अलग विंडोज होते हैं पीक ब्राइटनेस के, जैसे 10%, 20%, 50%, 80% एंड 100%। ऑलराइट, व्यू मास्टरपीस की जो एडवर्टाइजमेंट है ना, दैट इज ट्रिकी, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली टेलिंग यू कि जो 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है ना, वो सर्टन विंडोज में, वो आपको नहीं बता रही है। ऑलराइट, यहाँ पे आई फाल्कन H82 एक्चुअली में अंडर कमिट कर रहा है एंड आपको ओवर डिलीवर करेगा। ऑलराइट, क्योंकि इट कैन अचीव 1000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस ऑन पेपर। ऑलराइट, हालांकि यहाँ पे दिखे कि 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आई फाल्कन के H82 में है, बट लेट मी टेल यू दैट इट कैन एक्चुअली गेट ब्राइटर देन व्यू मास्टरपीस ग्लो। ऑलराइट, सो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, मैंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू द रिटेल इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, जो ऑनलाइन पेजेस में, अगर आप TCL की C825 भी देखेंगे ना, वहां पे भी आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी इन रिटेल पेजेस। ऑलराइट, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने एक्चुअली में कमेंट भी किया था कि यार 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, मैं मानता हूं, बट इट्स इन सर्टन विंडोज। ऑलराइट, एंड हियर अगेन अच्छी बात यह है कि वो लोग अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ऑन पेपर्स हालांकि व्यू मास्टरपीस ग्लो लुक्स बेटर, बट इन रियालिटी प्रैक्टिकली आई फाल्कन H82 इज टेक्निकली ब्राइटर इन सर्टन पीक विंडोज। ऑलराइट, अब हम कॉन्ट्रास्ट रेशियोज की अगर हम बात कर लेना, 5001 इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको एक्चुअली में रिटेल पेज में मिलेगी, विच इज ओके। यहाँ पे व्यू मास्टरपीस ग्लो की अगर आप रिटेल पेज देखेंगे ना, आई डोंट नो उन्होंने क्या लिखा हुआ है यार, 1:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पे देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, आई किड यू नॉट। ऑलराइट, ये मैंने अपने मन से नहीं डाल दिया कोई इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए ये रहा। ऑलराइट, इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1:1 का इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो, पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं यार। आई मीन, सबसे पहले तो IPS पैनल है, और अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा विद आई फाल्कन की H82, इट इज अ मिनी एलईडी बट इट्स अ VA पैनल। ऑलराइट, VA पैनल्स कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज ऑलवेज टेक्निकली बेटर। ऑलराइट, तो पता नहीं किसने क्या छाप दिया यहाँ पे 1:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, इट इज नॉट 1:1 फॉर श्योर। इनफैक्ट द कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज गोइंग टू बी बेटर ऑन द आई फाल्कन H82, नंबर वन बिकॉज इट्स अ VA QLED पैनल, नंबर टू इट्स अ मिनी एलईडी पैनल। ऑलराइट, तो कॉन्ट्रास्ट इज एनीवेज गोइंग टू बी बेटर देन द व्यू मास्टरपीस ग्लो बिकॉज इट इज
जस्ट अ स्टैंडर्ड क्यूलेट, ऑलराइट। अब रिफ्रेश रेट आपको दोनों ही टेलीविजन में नेटिव 4K एट 120 हर्ट्ज मिलेगा, ऑलराइट। मैं नेटिव इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे टेलीविजन ना इन द मार्केट दे एडवर्टाइज 120 हर्ट्ज, और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स में आप मत पड़िएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ TCL C635 की, ऑलराइट। मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, थोड़ा सा नया पेज खोल लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ, ऑलराइट। TCL C635, ऑलराइट। अगर आप गेमिंग करते हैं, अगर आपको एक टेलीविजन चाहिए, ऑलराइट, जिसपे आप 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इसकी 55 इंच को मैं खोलूंगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा है 120 हर्ट्ज DLG। आई थिंक दिस स्टैंड्स फॉर ड्यूअल लाइन गेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये 120 हर्ट्ज इज नॉट एक्चुअल 120 हर्ट्ज 4K, इट्स नॉट अ नेटिव 4K 120 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट पैनल, ओके। ये आपको 2K एट 120 हर्ट्ज दे देगा, यानी फुल HD एट 120 हर्ट्ज, बट 4K एट जस्ट 60 हर्ट्ज। तो देखिए मार्केटिंग देखिए, ऑलराइट, इट्स ट्रिकी। इसलिए आपको ये सारी वीडियोस एक्चुअली में देखने चाहिए जहां पे आपको ये थोड़ी थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो ये बताएंगे नहीं, वो आपको मेरे जैसे वीडियोस में मिल जाएंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे दोनों टेलीविजन में नेटिव 4K 120 हर्ट्ज विद HDR, मैंने लिखा नहीं है, बट विद HDR आपको मिलेगा। और HDR की अगर हम बात करें, दोनों ही टेलीविजन में डॉल्बी विजन है, दोनों ही टेलीविजन आर HDR 10+ सर्टिफाइड, दोनों टेलीविजन में आपको HLG मिलेगा, ALLM यानी ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलेगा फॉर गेमिंग, VRR का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा, HGIG एक डायनामिक टोन कलर टोन मैपिंग होता है जो गेमिंग में होता है, स्पेशली जनरली LG के टेलीविजन में आते हैं, ये है नहीं, इसका ना होना होना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलराइट। बट VRR इज डेफिनेटली अ मस्ट इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, क्योंकि वो स्क्रीन टेयरिंग, सर्टन गोस्टिंग एलिमेंट्स, आर्टिफैक्टिंग से वो एक्चुअली में हेल्प करता है, ऑलराइट। सो VRR दोनों टेलीविजन में अवेलेबल है, गेम पैनल आपको दोनों टेलीविजन में मिलेगा, यानी सेटिंग्स जिसे आप ट्वीक कर सके, ALLM को ऑन ऑफ कर सकते हैं, VRR को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फुल अरे लोकल डिमिंग आपको दोनों टेलीविजन में मिल रहे हैं, क्योंकि इट्स अ फॉल्ट पैनल, यानी फुल अरे लोकल डिमिंग, फॉल्ट, FALD। पर अगर हम डिमिंग जोन्स की बात करें, ऑन पेपर डिमिंग जोन्स आई फाल्कन की H82 में डेफिनेटली इज कंपैरेटिवली मोर, इट्स 128 डिमिंग जोन्स वर्सेस ओनली 28 डिमिंग जोन्स ऑन द व्यू मास्टरपीस ग्लो। पर ये बात मैंने अपने TCL के C825 वाले वीडियो में भी बोला था कि जस्ट बिकॉज इट सेज दैट इट्स 128 डिमिंग जोन्स डज नॉट मीन कि ज्यादा है तो बेहतर है, ऑलराइट। मैं ये नहीं कहूंगा कि व्यू मास्टरपीस इज बेटर इन दिस केस, पर अगर मैं इसे कोई सोनी टेलीविजन के फॉल्ट पैनल से कंपेयर करूंगा ना, सो सोनी माइट हैव कंपैरेटिवली लोअर डिमिंग जोन्स लाइक 30 और 32, बट उसकी जो एल्गोरिथम्स है ऑफ द लोकल डिमिंग जोन्स दैट इज कंपैरेटिवली वे बेटर देन TCL की C825 या इवन विद द आई फाल्कन H82। सो ज्यादा इज नॉट ऑलवेज बेटर, इट इज ऑल्सो द इम्प्लीमेंटेशन, बट इन दिस केस आई कैन से दैट अगर मुझे इन दोनों टेलीविजन में कंपेयर करना पड़ेगा, देन आई फाल्कन H82 इज कंपैरेटिवली बेटर, ऑलराइट, इन दिस केस। हम फाइनली चलते हैं प्राइसिंग पे और देखते हैं कि आपको इन दोनों टेलीविजन में से कौन सी लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, पैसा वसूल फैक्टर किसका ज्यादा है। अब आई फाल्कन H82 का एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ एक साइज में अवेलेबल है ऑनलाइन, दैट इज राइट, इट इज ओनली अवेलेबल इन 55 इंचेस, और इस वीडियो में मैं जनरली 55 इंच की ही बात कर रहा था। अब 55 इंचेस में ये 90,999 रुपीज में आता है ऑन, अगर आप फ्लिपकार्ट पे चले गए तो। Amazon पे इसकी लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है फिलहाल एट द टाइम बीइंग व्हाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बट Amazon में आपको मिलेगा TCL की C825, ऑलराइट, व्हिच इज द सेम एग्जैक्ट सेम टीवी, एग्जैक्ट आई फाल्कन H82 इक्वल्स TCL C825। तो 4,000 रुपया या 5,000 रुपए का डिफरेंस क्यों है भाई, जैसा कि मैंने कहा आई फाल्कन इज द बजट ब्रांड ऑफ TCL C825, तो आपको ये सस्ते में मिलेगा। और इनफैक्ट अगर आप TCL C825 लेना चाहते हैं, Amazon से खरीदिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड बाइंग इट। Flipkart के साइट पे ये और महंगी है, यानी 19,000 रुपीज का ऑलमोस्ट डिफरेंस है बिटवीन दिस एंड आई फाल्कन की H82, एंड इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। अगर आपको इन दोनों टेलीविजन से एक लेनी हो ना, तो मैं बोलूंगा आप H82 ही लीजिए, बिकॉज इट इज नथिंग बट अ रीब्रांडेड TCL की C825, that's right, वापस बता रहा हूं, it's a rebranded C825 from TCL, alright, from 2021, तो ये हो गया इसकी प्राइसिंग की बात। तो बुरी बात ये है that it is only available in one size, तो अगर आपको different sizes चाहिए, जैसे कि 65 या 75 inch, वो flexibility आपको सिर्फ View Masterpiece Glow में मिलेगी, क्योंकि आप View Masterpiece Glow की साइट पे चले गए हैं, Amazon के, links again description box में होंगे,
तो यहाँ पे देखिए 55, 65 और 75 इंच वाली मॉडल भी मिलती है, एंड आई थिंक द 75 इंच वाली जो मॉडल है ना, गिवन द फीचर्स जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, इट इज वेरी कंपेटिटिवली प्राइस्ड। तो अगर आपको एक बड़ा स्क्रीन चाहिए अपने घर पे, एक थिएटर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए, तो 159,990 इज अ वेरी कंपेटिटिव प्राइसिंग फॉर वॉट इट इज गिविंग। ऑलराइट, अब इवन इन द 55 इंच, इफ अगर आपको ये फैंसी नहीं है कि भाई मुझे मिनी एलईडी टीवी लेनी है, ऑलराइट, देन द व्यू मास्टरपीस ग्लो आपको और ज्यादा प्राइस टू वैल्यू रेशियो के परस्पेक्टिव से वैल्यू फॉर मनी देगा, यानी ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है। तो अगर आप एक मार्केट पे निकले हुए हैं, आपको गेमिंग के लिए टीवी लेनी है जहां पे आपको नेटिव 4K एट 120 हर्ट्ज़ विद HDR चाहिए, विद VRR, विद ALLM चाहिए, और ब्राइटनेस भी आपको अच्छी चाहिए और फुल एरे लोकल डिमिंग भी आपको चाहिए, देन द व्यू मास्टरपीस ग्लो इज द टीवी टू गेट इन टूडेज डेट। दिस प्राइस, दिस वैल्यू फॉर मनी कैनॉट बी बीटन। ऑलराइट, एट दिस प्राइस पॉइंट इट इज द बेस्ट टीवी इन द मार्केट। ऑलराइट, 75,000 में 55 इंच के रेंज में आपको ये बेस्ट ऑफरिंग मिल रही है आज की डेट में इन द मार्केट, इफ यू आर आउट टू गेट अ टीवी विद दिस ब्राइटनेस लेवल्स। ऑलराइट, आई विल आल्सो टॉक अबाउट अ वर्दी ऑल्टरनेटिव अगर आप ब्रांड को दिमाग में रख के टीवी लेना चाहते हैं, जो नेक्स्ट पेज पे है। ऑलराइट, तो प्राइस टू वैल्यू रेशियो, पैसा वसूल फैक्टर में व्यू मास्टरपीस ग्लो डेफिनेटली कम्स आउट ऑन टॉप, और आपको वही टीवी लेनी चाहिए। ऑलराइट, व्यू मास्टरपीस ग्लो, पर अगर आप एक ऐसी टीवी लेना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड हो, ऑलराइट, और अगर आपको एक फैंसी है कि मुझे मिनी एलईडी टीवी ही लेनी है भाई, तो आई फाल्कन H82 इज द राइट वे टू गो। एंड आपको ये टेलीविजन लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ TCL की C825 या C835 फ्रॉम 2022, बिकॉज इट मेक्स मोर सेंस। ऑलराइट, और आपको अगर 65 इंच चाहिए, द नेचुरल चॉइस इज टू गो विद व्यू मास्टरपीस ग्लो, क्योंकि ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है H82 में। तो इस कंपैरिजन में आई थिंक द विनर विल बी व्यू मास्टरपीस ग्लो, सिंपली बिकॉज ऑफ द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। बट टेक्नोलॉजिकली मैं वापस बोल दूं, आई फाल्कन की H82 इज अ सुपीरियर टीवी टेक्नोलॉजिकली। ऑलराइट, बट फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, व्यू मास्टरपीस ग्लो विल बी माय पर्सनल चॉइस। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स की इन द मार्केट इसी सेम प्राइस रेंज में। अगर आप इसी प्राइस रेंज में बात करेंगे ना, सैमसंग QN90A, ये बहुत मुश्किल से आपको ऑनलाइन मिलेगा। ऑलराइट, बहुत मुश्किल से, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक। ऑलराइट, क्योंकि ये मिलता ही नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे सैमसंग प्लाजा या कोई भी सैमसंग के शोरूम में जाकर के, आपको 2 हफ्ते का वेटिंग होगा, पर ये मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, ऑफलाइन मार्केट्स पे, बट ऑनलाइन मार्केट में इसका मिलना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आज के दिन में ये, यस, अवेलेबल है सैमसंग QN90A, ये 2021 वाली मॉडल है, क्योंकि 2022 वाली जो मॉडल है वो और महंगी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज अवेलेबल ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, देखिए बता रहा है ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज आउट ऑफ स्टॉक। और एक और चीज मैं बता दूं, ये 55 इंच नहीं है, ये 50 इंच वाली मॉडल है। ऑलराइट, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन 50 एंड 55 इंचेस, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवीज दैट यू कैन गेट एट दिस प्राइस पॉइंट। व्हाई, मैं बता रहा हूं, सबसे पहले दिस इज ऑल्सो अ मिनी एलईडी टीवी। ऑलराइट, तो मैंने कहा कि द चीपेस्ट मिनी एलईडी टीवी वॉज कौन सा, आई फाल्कन HD2। ऑलराइट, बट वो 90,000 था, ये तो 84,990 है, तो क्यों, वो 55 इंच था, ये 50 इंच है, दैट्स व्हाई। But at this price point, you're getting number one, Samsung ki brand. Number two, it is way brighter. All right. In certain peak windows na, ye 1600 jo peak brightness bolte na, 1600 nits ki peak brightness tak pahunch paata hai. That is right. Number two, halaki ye 50 inch hai, but you will still get a 4K native 120 hertz with VRR. All right. Isme sirf ek cheez missing hai, main keh sakta hu ki Dolby Vision koi bhi Samsung ke televisions mein aapko milega nahi, par उसका होना ना होना मेरे हिसाब से इज नॉट सच अ बिग फैक्टर, बिकॉज इसमें आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल रहा है। दिस इज एन HDR 10 प्लस सर्टिफाइड टीवी, एंड एट दैट ब्राइटनेस लेवल्स आपका जो HDR कंटेंट है ना, वो खिल के आपको दिखेगा। दिस इज प्रोबेबली एट दिस प्राइस पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट टीवीज दैट यू कैन बाय टुडे। हालांकि ये 2021 से, इसकी 2022 वाली मॉडल भी है, विच इज द QN90B, ए बी हो जाता है, बट वो और महंगी है, क्योंकि वो 1,00,000 रुपए के ऊपर चले जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पेज पे, तो इवन द 15 इंच मॉडल ऑफ द QN90B इज 1,15,000। तो मेरे हिसाब से ना, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन मच, ऑलमोस्ट 30,000 रुपए का डिफरेंस है, बट इट डज नॉट जस्टिफाई दैट 30,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस। अगर मुझे एक ऑप्शन मिलेगा टू चूज बिटवीन 2021 2022 मॉडल,
मैं आंख बंद करके 2021 वाली मॉडल ले लूंगा, बिकॉज 30,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है यार, मायने रखता है। मैं एक क्यू सिम्फनी वाला साउंड बार ले लूंगा उस प्राइस पॉइंट पे, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीवीज आउट देयर। द सेकंड ऑप्शन इज, हालांकि ये मिनी एलईडी नहीं है, बट सैमसंग की फ्रेम की LS03 जो ए है, विच इज 2021 वाली मॉडल, दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन टू बाय। अगर आप एक एस्थेटिकली ब्यूटिफुल टीवी लेना चाहते हैं जो आपकी दीवारों पर ऐसा लगे जैसे इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट, लिटरली आप इसमें आर्ट वर्क भी डाल सकते हैं, ऑल राइट, देन आई थिंक दिस प्राइस पॉइंट इट बीट्स आउट इवन द टीवीज दैट वी हैड इन आर कंपेरिजन टूडे, ऑल राइट। व्यू मास्टरपीस ग्लो, आप देखिए 74,999 इसकी प्राइस पॉइंट है, ऑल राइट। सैमसंग इज जस्ट 3,000 रुपीज मोर फॉर द 2021 फ्रेम वाली मॉडल, 550 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है, बाय द वे इट्स नॉट दैट बैड, ऑल राइट। तो आई एम गेटिंग अ ब्रांड लाइक सैमसंग एट दिस प्राइस पॉइंट, इसमें वन कनेक्ट का बॉक्स भी है, तो आप इसको एकदम पूरा चिपका सकते हैं दीवार पे, ऑल राइट। और वैसा एक टीवी है जो आपको 77,990 में, वो भी 55 इंच मिल रही है आपको, अगेन 4K 120 हर्ट्ज पैनल विद VRR, यहाँ पे भी डेडिकेटेड गेम पैनल आपको इसमें भी मिलेगा, सेटिंग्स पैनल जो है गेमिंग के लिए, ये टेलीविजन भी बहुत ही अच्छी है, ऑल राइट, एंड एट अ सॉलिड प्राइस पॉइंट। LS03B अगर आप लेने जाएंगे वो कंपेरेटिवली महंगी है, क्योंकि अगर मैं उसकी प्राइस आपको दिखा दूं यहाँ पे सैमसंग की, तो काफी प्राइस डिफरेंस है। इनफैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, सैमसंग प्रेम 2022 यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे देखिए 97,990 का मिल रहा है, ऑल राइट। तो यानी 20,000 रुपए का डिफरेंस है। 2022 और 2021 मॉडल में एक मेजर डिफरेंस था, दैट वॉज 2021 मॉडल ग्लॉसी फिनिश है उसका पैनल, और 2022 मॉडल एक्चुअली में मैट फिनिश में आता है आपको, और वो मैट फिनिश के कारण ना इवन द ब्राइटनेस इज एक्चुअली टेकन अ हिट। 50 निट्स की पीक ब्राइटनेस इज एक्चुअली मोर इन, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट, हाँ 50 निट्स की पीक ब्राइटनेस इज मोर इन द 2021 मॉडल। तो 20,000 रुपए का डिफरेंस है यार, आई मीन देखिएगा, मायने रखता है नहीं? 77,990 वर्सेस 97,990, तो मेरे हिसाब से इट इज डेफिनेटली अ वर्दी ऑल्टरनेटिव। और अगर आप एक टीवी लेना चाहते हैं इन दिस प्राइस रेंज अप टू 90,000 रुपीज, 55 इंचेस, स्पेशली फॉर गेमिंग एंड अ फैंटास्टिक HDR एक्सपीरियंस, देन दीज आर डेफिनेटली वर्दी ऑल्टरनेटिव। और इनफैक्ट मैं इस वीडियो में एक एक्सेप्शन करूंगा, और मैं ये बोलूंगा दैट एट दिस प्राइस पॉइंट, ऑल राइट, आई वुड इवन गो ऑन एंड से दैट आप Q90A लीजिए ओवर द व्यू मास्टरपीस ग्लो, बिकॉज इट इज ब्रांडेड, इट इज वे मोर ब्राइटर, इट्स गॉट वे मोर फीचर्स। हालांकि साउंड के मामले में वो कंपीट नहीं कर पाएगा, पर इट्स दी प्रोबेबली बेस्ट टीवी दैट यू कैन गेट एट दिस प्राइस पॉइंट, हालांकि ये 50 इंच है, ऑलराइट। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आज की कंपैरिजन को मैं यहीं पे रोकता हूँ, ऑलराइट। और अगर आपके कोई सवाल हो इन टेलीविजन को लेकर के या इन जनरल, आप कमेंट्स में वो पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दूंगा। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाई क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ दीज लिंक्स एंड परचेसिंग दीज टीवीज। मुझे एक Amazon की जो एफिलिएट कमीशन है वो मिलेगी, तो मैं वो आपको ट्रांसपेरेंटली बोल दे रहा हूँ। और आप मेरे चैनल को एक और वे में सपोर्ट कर सकते हैं बाई हिटिंग दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और ऑल्सो दैट बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूँ आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। Now with that said, it's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए I'll say take care, stay safe, and may God bless you all.